दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है जिसे आप ऑनलाइन घर बैठे ही खोल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के साथ एक जीरो बैलेंस खाता ऑनलाइन घर बैठे खोल पाएंगे। ये अकाउंट कंप्लीट डिजिटल अकाउंट होगा, अकाउंट नंबर FSC कोड तुरंत मिल जाएगा, मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग को भी आप तुरंत एक्टिवेट करके पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। साथ में आपका जो ATM कार्ड और आपका चेकबुक है आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इस अकाउंट में आपको कंप्लीट KYC करवाने के लिए ब्रांच में नहीं जाना है, घर बैठे आप वीडियो KYC के माध्यम से कंप्लीट KYC कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में अपना एक ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और YONO SBI सर्च करेंगे। फिर आपको यहां से YONO SBI एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपसे यहाँ पर लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, आप इस परमिशन को अलाउ करेंगे। खाता खोलने के लिए आपको नीचे वाले ऑप्शन New to SBI वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपको ओपन सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको विदाउट ब्रांच विजिट का ऑप्शन मिलेगा, इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे तभी आप ऑनलाइन खाता खोल पाएंगे कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका जो खाता का नाम है वो है Insta+ सेविंग्स अकाउंट, जिसका कुछ डिटेल भी दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिखेगा, इस वाले बॉक्स पर आप टिक करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब अगले पेज में आपको यहाँ पर स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आपका जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयर डिटेल भरना है तो आप सेलेक्ट एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे आप कौन सा काम करते हैं या फिर आप कौन सा जॉब करते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो। अगर आपका एम्प्लॉयर डिटेल आपको नहीं मिलता है तो आप बिना भरे भी यहाँ पर एक नीचे चेकबॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज में यहाँ पर आपको अपने अकाउंट का वीडियो KYC का कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है एक चेकबॉक्स दिखेगा नीचे, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज पे फिर से आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कंप्लीट मोबाइल नंबर इस वाले बॉक्स में भरना है जो भी आप बैंक खाते से लिंक करवाना चाहते हैं, और उसके अलावा आपको अपना ईमेल एड्रेस इस वाले बॉक्स में भरना है, ये भी आपका ईमेल एड्रेस बैंक खाते से लिंक हो जाएगा। इसके बाद आप सबमिट बटन पे नीचे क्लिक करेंगे। अब आपने जो मोबाइल नंबर भरा है उस वाले मोबाइल नंबर पे एक OTP बैंक द्वारा सेंड किया जाएगा, उस वाले OTP को आप पहले वाले इस बॉक्स में भरेंगे। उसके अलावा आपने जो ईमेल आईडी भरा है उस ईमेल आईडी के इनबॉक्स में भी एक OTP बैंक द्वारा सेंड किया जाएगा। ईमेल आईडी का इनबॉक्स खोल के आप वो OTP निकाल लेंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी वाला OTP भर देंगे और फिर नीचे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों अब अगले पेज में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पासवर्ड क्रिएट करना है। मान लीजिए कि फॉर्म भरते भरते कोई भी दिक्कत आती है जिस कारण से फॉर्म आपका कट जाता है तो आप इस पासवर्ड का यूज़ करके दोबारा से फॉर्म को वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप जो भी पासवर्ड डालना चाहते हैं उस वाले पासवर्ड को आपको इस बॉक्स में और सेम वही पासवर्ड आपको नीचे वाले बॉक्स में भी भर देना है। पासवर्ड भरते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है, यहाँ पर आपको अल्फाबेट कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का यूज़ करना है, फिर आपको @ लगाना है और कुछ नंबर्स भी आपको डालने हैं पासवर्ड में। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपको ईजी लगता है, और जो भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करें उसका आंसर आप जो है यहाँ पर नीचे वाले बॉक्स में लिख देंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर आप लिखेंगे उसे आप याद रखेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए ताकि आगे कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट बटन मिलेगा, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा जहाँ पर यह बताया गया है कि 15 दिनों के अंदर आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है वरना आपका एप्लीकेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, ऊपर आप इस वाले चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको एग्री करना है, तो इस वाले बॉक्स पर आप टिक करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का डिटेल भरना है तो इस वाले बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे तो इस आप क्लिक करेंगे और यहां पर आपको आधार कार्ड का नंबर यहां पर कंप्लीट भर देना है और उसके बाद फिर आपको गेट OTP वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे UIDAI के माध्यम से KYC वेरिफिकेशन के लिए एक OTP सेंड किया गया है तो उस वाले OTP को आपको इनबॉक्सेस में डाल देना है। OTP भरने के बाद नीचे की तरफ आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, आप सबमिट बटन पे यहां पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपका कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाएगा, जैसे कि आपका टाइटल क्या है, आपका नाम क्या है, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब अगले पेज में आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स भरने होते हैं तो यहाँ पर भी आपका एड्रेस आधार कार्ड से ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया जाता है, आपका पिन कोड और आपका स्टेट भी, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट भी ऑटोमेटिक डिटेक्ट होता है। यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट बताना है तो आप नीचे यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका सब डिस्ट्रिक्ट कौन है। इन ऑप्शन में से आप अपना सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको विलेज या फिर टाउन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको विलेज या फिर टाउन सेलेक्ट करना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और आपका कौन सा गांव है
आप यहाँ से अपने गांव का या फिर टाउन का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस वाले बॉक्स पे आप टिक करेंगे और उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों अब अगले पेज में यहाँ पर आपसे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पर आपका ATM कार्ड चेकबुक वगैरह डिलीवर किया जाएगा। तो जहाँ पर आप फिलहाल रह रहे हैं उस वाले एड्रेस को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सबसे पहले इस वाले बॉक्स में आप अपना हाउस नंबर, एरिया या फिर कॉलोनी का नाम डालेंगे, फिर एरिया या फिर लोकेलिटी यहाँ पर डाल देंगे, फिर यहाँ पर सिटी और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप डाल देंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद पिन कोड डालेंगे। और सबसे लास्ट में आपको एड्रेस वैलिड अप टू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको एक कैलेंडर का आइकन दिखेगा, इस वाले आइकन पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सा भी एक फ्यूचर का 3-4 महीने या फिर 5 महीने के बाद का कोई सा भी एक डेट आज का सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर 3 छोटे-छोटे चेकबॉक्स दिखेंगे, तीनों ही बॉक्सेस पे आपको यहाँ पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है। दोस्तों अब आपको एक पॉपअप दिखाया जाएगा, यहाँ पर आप ओके वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड का डिटेल्स मांगा जाएगा, तो इस वाले बॉक्स में कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर भरेंगे और नीचे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप पैन कार्ड का नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से आपका फोटो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया जाएगा। अब आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब अगले पेज से आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताना है, ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले अगर आप बिलो SSC पढ़े हुए हैं, यानी आप नहीं पढ़े हुए हैं, या फिर आप 5वां, 6वां, 7वां, 8वां या फिर उससे नीचे तक पढ़े हुए हैं, तो पहले वाले ऑप्शन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप 9वां, 10वां, 11वां या फिर 12वां तक पढ़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन SSC को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर प्रोफेशनल है, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद से आप अपना ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएंगे। अब आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, आपकी शादी हुई है या फिर नहीं। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, वरना आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगले पेज में आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स भरने होंगे, तो इस वाले बॉक्स में आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे, यानी जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का टाइटल सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करके जो भी टाइटल है आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको फादर का यानी पिता का नाम बताना है, तो इस वाले कॉलम में फादर का फर्स्ट नेम, फिर आपको बीच वाले कॉलम में यहाँ पर फादर का मिडिल नेम यानी बीच का नाम भरना है, और लास्ट नेम इस वाले कॉलम में आपको भर देना है। मिडिल नेम नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो मदर का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके आप मदर का टाइटल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी टाइटल है। उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर अगर आप चाहें तो स्पाउस नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज में आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा काम करते हैं, आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है तो आप अदर्स को या फिर नॉट कैटेगराइज लास्ट वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर आप ऑक्यूपेशन में अदर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे काम देखने को मिल जाएंगे, आपको बताना है कि आप इनमें से कौन सा काम करते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट, हाउसवाइफ और भी इंजीनियर वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, डॉक्टर वगैरह का। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सबसे नीचे डू नॉट वांट टू डिक्लेयर का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पर अदर प्रोफेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगले पेज में आपको अपना एनुअल इनकम बताना है, आप साल के कितने पैसे कमाते हैं, आप इस वाले बॉक्स में भर देंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अगले पेज में यहाँ पर आपको अपना रिलीजन यानी धर्म बताना है, आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जो भी धर्म है आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है अपने हिसाब से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद से नेक्स्ट वाले पेज में आपको अपने खाते में नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। अगर आप अपने खाते में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का क्या आपसे रिलेशन है वो आप डाल देंगे, फादर, मदर या फिर सन जो भी है। उसके बाद नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आप सबसे पहले डेट यहाँ पर भरेंगे, फिर मंथ यहाँ पर और ईयर यहाँ पर भरेंगे। फिर यहाँ पर गार्जियन का नाम आपको भरना है, अगर नॉमिनी 18 वर्ष से कम उम्र का है तो यहाँ पर आप उनके गार्जियन का नाम डाल देंगे और गार्जियन का क्या एज है आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में आपको नॉमिनी का एड्रेस भरना होगा, तो एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस आप भरेंगे, फिर पिन कोड भरेंगे और नॉमिनी का स्टेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब अगले पेज में आपको अपना ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है, आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच होगा यहाँ पर एक लिस्ट में ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपका जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आपको यहाँ पर उस ब्रांच को सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जो भी आप ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उसी ब्रांच में आपका खाता खोला जाएगा। अब अगले पेज में यहाँ पर फिर से आपको नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है अपने ब्रांच को कंफर्म करके। यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको रीड TNC वाले बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगा, आपको इसे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो चेकबॉक्स है वो ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पर जब पूरा टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लेंगे उसके बाद यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिखेगा, इस पर आप टिक कर देंगे यहाँ पर और उसके बाद आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही अब फाइनल आपका स्टेज आ जाएगा, जहां पर आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा से एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आप ओके वाले बटन पे यहां पर क्लिक करेंगे और जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आता है उसे आप यहां पर डाल देंगे। ओटीपी भरने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा नाम डेबिट कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो आप जो भी नाम डेबिट कार्ड पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो आप यहां से एडिट कर सकते हैं चाहे तो, और उसके बाद आपको नाम कन्फर्म करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपको नोट करके रख लेना है, जो कि फ्यूचर में आपको काम आएगा। अब आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स दिखेगा, इस बॉक्स पे आप टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपका वीडियो केवाईसी का प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट होने को आ गया है। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करना होगा अपने अकाउंट का, तभी आपका अकाउंट जो है कंप्लीट एक्टिवेट हो पाएगा। वीडियो केवाईसी कैसे करना है आपको मैं बता देता हूँ। इस वाले पेज पे आने के बाद नीचे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट वीडियो कॉल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, इस नोटिफिकेशन को आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप एक वेबसाइट पे जहाँ से आपका वीडियो कॉल कनेक्ट होगा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वीडियो केवाईसी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करना होगा। स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, जैसे कि वीडियो कॉल के दौरान आपको जो है आपका ओरिजिनल पैन कार्ड अपने पास पे रखना है और एक पेपर और पेन आपको अपने पास में रखना है। तो आई एम रेडी का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप आई एम रेडी पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे, जैसे कि कैमरा का, माइक्रोफोन का और लोकेशन का। तो आप सभी परमिशंस को अलाउ कर देंगे, यहाँ पर जो भी परमिशंस का अलाउ आता है आप अलाउ कर देंगे। सभी परमिशंस को जब आप अलाउ कर देंगे उसके बाद इनका एक वीडियो कॉल इनके एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों जब आपका वीडियो कॉल उनके एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाता है तब वो आपका वीडियो कॉल के दौरान ही आपका एक सेल्फी खींचेंगे, उसके बाद आपसे बोलेंगे कि आप अपना पैन कार्ड बैक कैमरा से दिखाओ। तो आप अपना पैन कार्ड वीडियो कॉल में दिखा देंगे और उसके बाद वीडियो कॉल में ही आपको एक पेपर पे लाइव सिग्नेचर करके दिखाना है, बस इतना ही। उसके बाद आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जो भी है सारा डिटेल आपको मेल पे भेज दिया जाएगा और उसके बाद आपके मैसेज में भी आ जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है आपने जो भी एड्रेस डाला है उस एड्रेस पे आपका एटीएम कार्ड, आपका चेकबुक यहाँ पर डिलीवर कर दिया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वीडियो केवाईसी लाइव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको वीडियो केवाईसी करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर इस पर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।